दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल इनसेन को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई हर बात हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आज आपके लिए मैं नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप पेन ड्राइव को बूट कैसे कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका आपको मैं बताने वाला हूँ। तो मेरा नाम है पंकज शर्मा और आप देख रहे हैं टेक्निकल इनसेन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जिस पेन ड्राइव को आपको बूट करना है उसे आपको माई कंप्यूटर मतलब अपने कंप्यूटर में लगाना है। और मैं पेन ड्राइव लगा रहा हूँ। पेन ड्राइव लग चुकी है और लेकिन एक बात है कि इस पेन ड्राइव का सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। जितने भी डाटा इसके अंदर है कुछ भी फाइलें वगैरह जो है वो सब डिलीट हो जाएंगी, मतलब पेन ड्राइव फॉर्मेट हो जाएगी। बूट करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, फॉर्मेट करते हैं पेन ड्राइव को। वहीं जाना है आपको राइट क्लिक करके फॉर्मेट पे और उसके बाद आपको आप सीधा से फॉर्मेट कर देते हैं। आपको ये नहीं करना, जो फाइल सिस्टम आपको यहाँ पे दिख रहा है उसे आपको यहाँ से NTFS मोड पे डालना है। NTFS कर देंगे उसके बाद जो स्विफ्ट फॉर्मेट है उसे यहाँ से हटा देंगे और फिर स्टार्ट करेंगे। ये आसानी से हो जाएगा, धीरे धीरे करके बूट करेगा। टाइम लेता थोड़ा सा ये, लेकिन ये सब डाटा फॉर्मेट हो जाएगा। इसे ओके कर देंगे, यहाँ से वार्निंग दे रहा है। ओके अभी बूट कर रहा है उसको धीरे धीरे, लेकिन ये टाइम लेता है काफ़ी, टाइम देना पड़ेगा। हो जाए यार, कोई नहीं टेंशन, मतलब वीडियो छोटी है, इसे फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा मैं, कर देगा जल्दी। अब थोड़ा सा हुआ, वैसे करके होता रहेगा। अच्छा है जल्दी हो जाए तो। मैं इसे काट देता हूँ पीछे से, ये डेस्कटॉप पे आ जा, कोई दिक्कत नहीं, होता रहेगा। मैं डेस्कटॉप पे इसलिए आगे करके आपका ध्यान इधर भी जाना चाहिए, सब्सक्राइब टेक्निकली इंसेन पर, बाकी ये तो होता रहेगा बूट। होने वाली है बिल्कुल, अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये बूट हो चुकी है। मैं लिखा हुआ फॉर्मेट कंप्लीट, ओके कर देंगे और जो आपकी पेन ड्राइव है वो NTFS मोड में आ चुकी है। जैसे क्लोज करके देखते हैं दोबारा से, पीसी ने विंडो की दबाई और ये पेन ड्राइव है, फाइल सिस्टम है वो NTFS मोड पे है। देखिए फाइल सिस्टम NTFS और अब ये बूट हो चुकी है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में बताइए, वरना इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। शुक्रिया।